और ये सीरियल नंबर या फिर उसके मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इसके प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम बहुत काम आता है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी इस सीरियल नंबर को जरूर मानती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट रजिस्टर हो। तो सीरियल नंबर ढूंढना कुछ कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि इसके सीरियल नंबर को कैसे ढूंढा जाए। और ये जो सीरियल नंबर है ये काफी आसान होता है ढूंढना। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक में ये सारी प्रोडक्ट है, और ये सारी प्रोडक्ट में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसके सीरियल नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ये बोट का बासेट है, और इसके पीछे की तरफ आपको एक बारकोड देखने को मिलेगा, उसी के जस्ट नीचे उसका नंबर होगा, और वो जो नंबर है वो सीरियल नंबर है। जैसे कि अब आपको मैं एक नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाऊंगा, वो है रियलमी का बड्स 2। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो बारकोड है, तो इस बार थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो बारकोड है वो इसके कूरियर का है और राइट साइड वाला प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। तो जो राइट साइड वाला जो स्टिकर के साथ है वो असली सीरियल नंबर है, और लेफ्ट साइड वाला कूरियर का दिया हुआ है, तो ये कोई सीरियल नंबर नहीं। और ये तीसरा प्रोडक्ट है फिटबिट का, और ये फिटबिट का वर्सा 2 है, जिसपे एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आने वाली है इसके अनबॉक्सिंग पे। तो इसके भी पीछे की तरफ अगर आप देखें तो पीछे में भी बारकोड मिलेगा। जो जो प्रोडक्ट के बारकोड के नीचे नंबर है वो सभी इसका सीरियल नंबर है। तो कुछ कुछ कंपनी जैसे कि क्रॉसबीट, तो उसमें भी बहुत ज़रूरत पड़ता है कि इसके सीरियल नंबर को ढूंढ पाए। और ये लास्ट प्रोडक्ट है वो है बोट का ही है, ईयरबड्स है, और एक टाइप सी केबल वाला भी है। टाइप सी केबल में भी सेम चीज़ है, बार कोड होगा, उसी के नीचे सीरियल नंबर है। तो आई होप अगर आपको समझ आ गया होगा कि इसके सीरियल नंबर को कैसे ढूंढा जाए। तो अभी भी अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय। कर दिया तुम तो ऐसे घुलता क्यों? पूरा हिल गया, पूरा हिल गया।